नाम मैं अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2023। तो उसमें आज हम एक बनाएंगे 3D मॉडल मास्टर कैंप के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे करेंगे वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम सॉलिड की कमांड्स को यूज करके 3D मॉडल कैसे बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को नजर आ रहा है 90 by 145 और 25 थिकनेस इधर है, 36 इधर है। कौन सी लाइन लगा लेते हैं, 90 36 145 25 ठीक है, इन दोनों को मिला दो, एक कॉर्नर कर दो। अगर हम चाहें तो ये कट भी साथ में ही बना सकते हैं, ऊपर से 24 24 से इधर 12 नीचे से 30 वाले पॉइंट से 12 में ले जाएंगे। ट्रिम 20 एक्स्ट्रा चीज को डिवाइड करते। एक कमांड मैंने पहले भी बताई हुई है, फाइंड ओवरलैप, रन एडिन के अंदर होती है फाइंड ओवरलैप। इससे क्या है, कंट्रोल ए दबा के क्लीन अप करेंगे तो जो भी ओवरलैप एंटिटीज है वो तो डिलीट हो जाए। इसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ, इसको एक्सक्लूड करते हुए हम मिड प्लेन ले लेंगे ताकि सेंटर हमारे पास आ जाए। इसकी टोटल थिकनेस है 72 का। इससे फायदा क्या हुआ, सेंटर पॉइंट हमारे पास आ गया। तो इस सेंटर पॉइंट पे हमारे को एक सर्कल चाहिए 30 रेडियस का। तो ये देखो ये किसी और ही डायरेक्शन में बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लेन में जाके यहाँ से फ्रॉम सॉलिड फेस एक नया प्लेन क्रिएट करेंगे इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसका नाम रख सकता हूँ कुछ भी। और अब ये जो सी प्लेन सी प्लेन को यहाँ पे क्लिक कर दो, टी प्लेन को भी कर दो, डब्ल्यू सी एस को भी कर दो, रिक्वायर्ड है तो ज्योमेट्री को भी कर दो। अब मैं यहाँ से सर्कल लगा सकता हूँ 30 रेडियस। एक 30 रेडियस का है, एक 24 डायमीटर का है। क्योंकि हमारी जेड की डायरेक्शन इधर है तो मैं इसको एक्सट्रूड कट कर सकता हूँ, डायरेक्शन में नहीं जाना, कट बॉडी करना थ्रू वॉल। सेम चीज अंदर वाले के साथ भी,
बॉडी करना, डायरेक्शन चेंज कर देनी है, थ्रू बॉडी करना। एक स्लॉट हमारे पास यहाँ पे लगी है 24 24 50, तो यानी कि सबसे पहले तो मुझे एक इस फेज पे काम करने के लिए प्लेन क्रिएट कर लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लेन को उस प्लेन के ऊपर ले आना, ऑफसेट कर सकता हूं मैं 12 बोथ साइड इसको, और 50 इधर वाली लाइन को, सर्कल बना देंगे यहाँ पे, एक्स्ट्रा चीज को ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लो फालतू की चीज को ट्रिम कर। सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक लाइन में अगर 3D सीखनी है तो वो है थिंक लाइक ए कारपेंटर। जैसे एक ड्राइंग को कारपेंटर बनाएगा वैसे ही हम देगा। ये है 72x6, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड फेस लो, ओके ओके। हुआ नहीं सही, फ्रॉम सॉलिड फेस फेस सेलेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लेन को भी इसके ऊपर ले आओ, एक रेक्टेंगल चाहिए हमारे को जिसकी लेंथ हो 72, थिकनेस हो 6, और इसको एक्सट्रूड कट करेंगे। थ्रू ऑल नहीं चाहिए, ये हमारे को चाहिए 50। ठीक है, ड्राइंग सारी बन गई है हमारी। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को मैं ब्लैंक कर सकता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम वापस से टॉप कर देंगे, तो ये हमारा जो है मॉडल प्रयोग। ठीक है, तो अगर मास्टर प्लान में कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंपली हम प्लेन क्रिएट करके जिस प्लेन पे भी मुझे काम करना है उस पर प्लेन क्रिएट कर लो, और जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम मास्टर कैम के अंदर 3D मॉडल कैसे बनाए। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, शेयर करनी है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखो, ज्यादा ज्यादा लोग शेयर करें।